नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुलेट चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 3 आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि इन तीनों आरोपियों ने सितंबर 2020 से लेकर 17 जनवरी 2021 तक नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे शहर, पिंपरी चिंचवड़, पुणे शहर, पुणे ग्रामीण और गोवा से तकरीबन 62 रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक चुराई थी। इस बड़ी वारदात को सुलझाते हुए नवी मुंबई पुलिस ने आरोपियों के पास से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपयों की 40 रॉयल एनफील्ड बाइक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में घाटकोपर से अमोल शिवाजी धोबले उम्र 35 साल, मुमरा से सोहेल इम्तियाज शेख उम्र 28 साल और विक्रोली से सौरभ मिलिंद करंज उम्र 23 साल को धर दबोचा है। जितनी भी हमारी मोटरसाइकिलें सामने हैं, कार है, टोटल करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इन्होंने इसको रिकवरी की है और इसमें कुछ लोग शामिल होंगे और भी कुछ गाड़ियां हमको रिकवरी होना बाकी है। इसमें जो 3 अपराधी हैं वो सोहेल इम्तियाज शेख है, सौरभ मिलिंद करंजे है और एक जो सरगना है अमोल शिवाजी ढोबड़े। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बीजी शेखर पाटिल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि अभियुक्तों ने इंजन को शुरू करने के लिए इग्निशन स्विच का इस्तेमाल किया था। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि इन आरोपियों की पसंद थी बुलेट बाइक। जो भी नई नवेली बुलेट बाइक वे पार्क करते देखते मिनटों में उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते। ये इग्निशन का जो सिस्टम है बुलेट का, वो बाहर से तार होता है, तार कट करके वो यहाँ पे उसको ज्वाइन करके फिर उसको इग्नाइट करके तुरंत बहुत ही कम समय में गाड़ी चुरा करके भाग जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से एक आरोपियों की नजर बाइक पर रहती, दूसरा आरोपी बाइक के मालिक को देखता और तीसरा आरोपी इग्निशन स्विच का इस्तेमाल कर बाइक चुराकर फरार हो जाता। लेकिन वो टेक्निक है जो उनको सबको नहीं जमेगा, प्लस चोर है, चोरी करना है उसको। इन्होंने कैसे नजर रखा, कौन लेके आया, कहाँ पे गाड़ी पार्क किया, तीसरा आदमी देखेगा कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके बीच में करना है। इतना ही नहीं, ये आरोपी फर्जी कागजात के जरिए 50,000 रुपए में बुलेट युवाओं को बेचकर उन्हें फर्जी आरसी देते जिससे उन पर कोई शक न कर पाए। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाने पुलिस में 14, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस थाने में 12, मुंबई पुलिस थाने में 3 और पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, अहमदनगर और गोवा पुलिस थाने में 1-1 मामला दर्ज था। नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी की कार भी इन आरोपियों के पास से जब्त की है, जिसका इस्तेमाल इन आरोपियों ने गोवा की यात्रा के दौरान एक बाइक चोरी करने के लिए इस्तेमाल की थी। 3 इसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो 3 चोर हैं और अभी तक उसमें ये 44 जो आपके सामने इनफील्ड बुलेट्स हैं ये रिकवरी हुई है और एक कार उसमें रिकवरी हुई है। हमारी इसमें जो सामने बुलेट्स हैं 12 हमारे नई मुंबई पुलिस के जो केसेज हैं उसकी हैं, 14 जो है वो थाने सिटी के केसेज हैं उसकी हैं और पिंपरी चिंचवड़ के जो केसेज हैं उसके 12 हैं, मुंबई सिटी के 3 हैं, पुणे ग्रामीण, पुणे शहर, अहमदनगर के 1-1 हैं। बता दें कि पहली गिरफ्तारी 22 जनवरी को की गई थी। आरोपियों को फिलहाल रविवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।